चैनल, आज का जो वीडियो है वो है एक इम्पोर्टेंट वीडियो। मैं इसे इम्पोर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, ये हर लेडीज की प्रॉब्लम है, फेशियल हेयर। कैसे हम अपना फेशियल हेयर निकाले? हम लोग लेजर कर सकते हैं फेशियल हेयर के लिए, या तो थ्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत बार थ्रेडिंग किया है, उसमें क्या हुआ, मेरे को बहुत रैश निकलने लगे और बहुत ऐसे इचिंग भी हुआ, क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, तो मैं थ्रेडिंग नहीं कर सकती। और लेजर लिए लेजर में बहुत सारे सेशन लेना पड़ता है और बहुत पेनफुल है, और मैं पेनफुल चीजों से थोड़ा दूर रहती हूँ। लेजर में कभी कभी ऐसा भी होता है बाद में जाके फिर से आपका जो हेयर है वो ग्रो होने लगता है, इसलिए मैं अपनी फेशियल हेयर को घर में ही रिमूव करती हूँ। वो कैसे, इस वीडियो में देख लेते हैं। हेयर रिमूव करने के लिए आपको चाहिए हल्दी, बेसन, थोड़ा सा मिल्क एंड हनी। ये सारी चीज़ तो हमारे किचन में मिल जाता है ना। एक एम्प्टी बोल में थोड़ा सा बेसन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाइए और मिल्क मिला के उसका एक पेस्ट बनाए। बहुत ज़्यादा मिल्क भी नहीं डालना है, क्योंकि हम लोगों को बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा थिक पेस्ट ही बनाना है। अभी थोड़ा सा हनी मिला लेते हैं। हनी मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद भी अगर ड्राई लगे तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कीजिए। सर ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, जैसे चम्मच से ऐसे गिराए तो आसानी से ना गिरे, थिक पेस्ट होना चाहिए। मिक्सर को हाथ में लेके अपने चेहरे पे जहाँ जहाँ पे अनवांटेड हेयर है वहाँ पे लगाना है। इस मिक्सर को आप बॉडी के जो हेयर है उसको रिमूव करने में भी यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत लोग फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग भी करते हैं। वैक्सिंग से आपकी स्किन लूज़ हो सकते हैं, वैक्सिंग नहीं सूट होने पे आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ध्यान रहे आँखों में और आईब्रोज के एरिया में नहीं लगना चाहिए। 5 मिनट्स अपने चेहरे पे सूखने देना है। 5 मिनट्स के बाद पैक को चेक करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, सेमी ड्राई होना चाहिए। उसके बाद हाथ से रब करके ऊपर की तरफ लेके बाल को निकालना है, क्योंकि हमारा बाल हमेशा नीचे की तरफ फॉल होता है, तो हम उल्टा साइड में जिस तरफ हमारा बाल आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड पर हम लोग को रब करके बाल को निकाल लेना है। इस प्रोसेस को आप वीकली 1 to 2 times कर सकते हो। इसमें टर्मरिक है, ग्राम फ्लावर है, मिल्क है, हनी है, और सब चीज़ का एक मिक्सर है। हनी स्टिकी होता है तो हेयर को निकालने में बहुत आसानी रहता है इस पैक से। कुछ दिन यूज़ करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा, और ये नेचुरल है, इससे आपकी स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने चेहरे को लिक्विड वाटर से धो लेना है, चेहरे की जो अनवांटेड हेयर है जिससे हम लोग परेशान होते वो सारे निकल जाए, वो भी विदाउट एनी पेन और स्किन प्रॉब्लम के बिना। क्या गाइस, आप लोगों को फेशियल हेयर को लेके जो प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन मिल गया ना? अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।